खुल गया है, खुल गया है। अरे जरिया आ रहा है, भाग ला नहीं। हाजरी ने महफिल सलाम ले एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े। जनाब भाई चलिए, बिल्कुल ताज़ा तरीन एक मतला और चंदा शार पेश करता हूँ तमाम अज़ादारों की जानिब से। पेश करता हूँ मुलाज़िम फरमाए शायद सरदार, पेश कर रहा हूँ मुलाज़िम फरमाए। कर दूँ इतनी बड़ी खता कैसे, आप सबकी जानिब से पेश करता हूँ मुलाज़िम फरमाए। कर दूं इतनी बड़ी खता कैसे, कर दूं इतनी करबला के, भूल जाऊं इतनी बड़ी खता कैसे। जिंदाबाद, जिंदा, मिलकर मिलकर अल्लाह आपको सलामत रखे। ये पेश करता हूं मतलब फिर सुने। कर दूं इतनी भूल जाऊं मैं करबला कैसे, भूल जाऊं मैं करबला कैसे। और तूने दर मुर्तजा का छोड़ा है, पेश करता हूं मुलाज़िम फरमाए। कि तूने दर भला कैसे, तेरा हो गया भला कैसे, तेरा होगा भला भला कैसे, तेरा होगा भला भला कैसे। ऐसे चेहरों को साथ लाए नबी, ऐसे चेहरों को साथ लाए नबी, ऐसे चेहरों हो मुबाहला कैसे, मुबाह
मोबा हिला कैसे उनसे अब हो मोबा हिला कैसे ऐसे चेहरों को साथ लाए नबी उनसे अब हो मुबाहला कैसे सुबह आशूर एक शेर दूसरे शेर से लगा हुआ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं हम तो खैर बनारस के हैं ही हैं इत्मीनान से पढ़ने के कायल हैं पेश कर रहा हूं मुलाजफ मैं कि सुबह आशूर हुर ने बतलाया लोग बनते हैं आईना कैसे लोग बनते हैं आईना कैसे पूरी तवज्जो के हुर ने दामत के साथ आया था शाह देते से सजा कैसे शाह देते से मिलकर सुबह आशूर हुर ने दामत के साथ मत के साथ आया था शाह देते उसे सजा कैसे शाह देते सुबह आशूर हुर ने बतलाया सुबह आशूर हुर ने बतलाया लोग बनते हैं आईना लोग बनते हैं आईना कैसे और सुनने वाले मसाहबे ज़ैनब घर से निकले बेरदा कैसे घर से निकलेगी बेरदा कैसे तूने दरमुर्तज़ा का छोड़ा है फिर एक शेर आहिस्ते से आप जोर से सुनिए बोला काबा मैं इससे जिंदा हूं भूल जाऊं मैं करबला कैसे भूल जाऊं मैं करबला कैसे अब इस मनकबत का आखिरी शेर पेश करता हूं मुलाजा फरमाए अरे दे दी बेशर ने ज़बान अपनी वरना इस्लाम बोलता कैसे वरना इस्लाम कैसे दे दी बेशीर ने ज़बान मिलकर दे दी संजय भाई बहुत शुक्रिया दे दी बेशीर हुर ने दामत के साथ आया था शाह देते से हुर ने दामत के साथ आया था शाह देते उसे सजा कैसे सुबह बनते हैं आईना कैसे लोग बनते हैं आईना कैसे
सुबह आसूर हुर ने बतलाया, लोग बनते हैं आईना कैसे। नया शेर इसमें भूल रहा हूँ, एक शेर और याद आ गया है कि सीधी ये उसके होंठ राबिद ने, सीधी ये उसके होंठ राबिद ने, शाम में जुल्म बोलता कैसे, शाम में जुल्म बोलता कैसे, शाम में जुल्म बोलता कैसे, ऐसे चेहरों को साथ लाए नबी, ऐसे चेहरों को साथ लाए नबी, उनसे अब हो मुबाहला कैसे, तूने दरमुल तजा का छोड़ा है। इजाजत है, ये भी एक गजल का ही मिसरा था कि मुद्दत से इस मकान में रहते हैं चंद लोग, एक दूसरे के साथ वफा के बगैर भी। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाइएगा। इसमें मतलब और दो तीन शेर पढ़ूंगा, आप सुन लें। अब मैं तो बहरहाल मकामी हूँ, मुझे पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाए। मुमकिन ये कब तखा के शफा के बगैर भी। बस एक मतलब तीन चार शेर के मुमकिन है कब तक के शफा के बगैर भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं वही कलाम पढ़ रहा हूँ जो कहीं नहीं पढ़ा है, आप सुनिए। बाबा जात रहने तो देखिए ये आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा, आप इजाजत हो तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनो। अरे मुमकिन ये कब तखा के शफा के बगैर भी। अरे मुमकिन ये कब तखा के शफा के बगैर भी। हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। अब्बास तेरे नज़ में तूफान नूह था, के अब्बास तेरे नज़ में। बुलंद तरीन सलवात पढ़ें, इरादा बदल गया है। आज़ादारी के हवाले से बहुत शेर आपने सुने हैं, एक मतला और तीन चार शेर बहुत जल्दी जल्दी जरा मैं मेहनत से पढ़ूंगा। हाँ बाबा, आज़ादी कहाँ है?
नारे हाय हरी नारे सलवार हंसी है चांद भी सब भर मगर अच्छा नहीं लगता, कोई चेहरा किसी को उम्र भर अच्छा नहीं लगता। मतला हासिल कर रहा हूं, मतला दो तीन शेर आप सुन लीजिए, मैं अपनी जगह ले लूं। सजा दो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता, सजा दो चाहे जितना भी, सजा दो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता, ना हो शब्बीर की मजलिस तो घर अच्छा नहीं लगता, तो घर अच्छा नहीं लगता, ना हो शब्बीर की मजलिस तो घर अच्छा नहीं लगता। देखिए महफिल चलाना थोड़ा बहुत तो शहंशाह भाई से हम सीख ही लिए हैं कि हालात कब हो कैसे हो तो क्या पढ़ना चाहिए। सजा दो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लग, एक शेर सुनाना है उसको आप कायदे से सुन लेंगे, मैं अपनी जगह ले लूंगा, मैं तो आपका अपना एक फिर सुनाऊंगा कि सजा दो चाहे जितना भी मगर अच्छा नहीं लगता, ना हो शब्बीर की मजलिस तो घर अच्छा नहीं लगता, फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा आओ चला जाए, उधर है महफिले जहरा इधर अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता। मदीना जाके भी शाहे मदीना मिल न पाएगा, मदीना जाके भी शाहे मदीना मिल न पाएगा, मदीना जाके भी शाहे मदीना मिल न पाएगा, तुम्हें करबो बला जाना अगर अच्छा नहीं लगता, करबो बला मिलना पाएगा, तुम्हें करबो बला जाना अगर अच्छा नहीं लगता। पहुंच जाएंगे, आहिस्ते से बढ़ता हूं कि फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता। दो तीन शेर भाई, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं, फिर आपके हवाले से फराज़े दार से भी सम यही पैगाम देते हैं, अली के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता, अली के चाहने वालों में डर अच्छा नहीं लगता, अली के चाह
चाहने वालों में डर। देखिए मैं इस वक्त बहुत दूसरी कैफियत में पढ़ रहा हूँ और आप सुन भी रहे हैं। इस मनकबत का दो तीन शेर और है जिसे मुझे सुनाना है। पेश कर रहा हूँ मुलाजम हमारे के फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता। जनाबे शेख जब करबो बला हो कर नहीं आते, नबी को भी मदीने का सफर अच्छा नहीं लगता, नबी को भी मदीने का सफर अच्छा नहीं लगता। आखिरी शेर, पूरी मेहनत, शायद कोई बात हुई हो, पेश करता हूं मुलाजिम फरमाए, एक एक मजमे की तवज्जो। कहां सज्जाद ने दरबार में ऐ शाम के हाकिम मेरे दादा का मिंबर है उतर अच्छा नहीं लगता। दरबार में ऐ शाम के हाकिम, कहा सज्जाद ने दरबार में ऐ शाम के हाकिम, कहा सज्जाद ने दरबार में ऐ शाम के हाकिम मेरे दादा का मिंबर है उतर अच्छा नहीं लगता, मेरे दादा का मिंबर है।